के राष्ट्रीय सचिव भूपेंद्र जी, चूरू के सांसद श्री राम सिंह जी, इस क्षेत्र के पूर्व मंत्री और विधायक श्री राजेंद्र जी राठौर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष चिमेरिया, पूर्व मंत्री श्री खेमाराम जी मेघवाल, पूर्व मंत्री डॉक्टर हरि सिंह जी, बिलाड़ा के विधायक अर्जुन जी, पूर्व विधायक रामेश्वर जी, पूर्व विधायक श्री केजी बाबर जी, नगर परिषद के सभापति डॉक्टर विजय राज जी, पूर्व अध्यक्ष हज कमेटी की श्री फिरोज खान जी और जिला अध्यक्ष बसंत कुमार जी, और यहाँ उपस्थित बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से अपने क्षेत्र के महानुभाव, मेरे सामने बैठी हुई इतनी सारी संख्या में मेरी सब माताएं बहनें, सबसे पहले तो आपको मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। आपको देख के मुझे बहुत ही खुशी होती है। आजकल सब लोग अपने अपनी जात की बात करते हैं, तो मैं कहती हूँ मेरी जात भी आई हुई है। देखो बहुत अच्छी खुशी की बात है, इतनी अच्छी संख्या में मेरी जात आई है, वो सबको घुमा के बैठे नहीं देख रही है। पूरा विश्वास, पूरा भार आप लोगों के कंधे पर मैंने डाला हुआ है। आप यहाँ आई, इतनी जोरदार तरीके से आई, उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इधर मेरे बैठे हुए सब भाई और बुजुर्गण, आप लोग भी आज आए, आप लोगों ने इतने भारी ताकत में आके हम लोग सबका जोरदार स्वागत किया है, उसके लिए मैं बहुत आप लोगों का आभार मानना चाहती हूँ, बहुत मानती हूँ। आज अपने आप ही एक बहुत ही अनूठा की बात हुई है। अभी मैं नोखा से आ रही थी, तो यहाँ ये लोग जब भी आती हूँ मैं चूरू के अंदर, तो तय कर लेते हैं कि सबसे पहले सालासर के दर्शन हो जाए। ना अब मैं जो जिस तरीके से संयोग हुआ, अब आप लोग मेहरबानी करके ये फोटोग्राफर तो ना कि हम करते हो आप लोग सच्ची, मैंने संयोग था कि मैंने कहा कि नोखा से कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ का कार्यक्रम हो रहा है, तो यहाँ से भी डूंगरगढ़ चले जाएंगे, तो सालासर तो होगा नहीं। इन लोगों ने कहा नहीं, हमने उसको फिट कर दिया, बाद में आपको दर्शन हो जाएंगे। मैं ठीक है, जैसा भी ईश्वर कहता है। नोखा का कार्यक्रम इस तरीके से हो गया और इतना समय बीच में आ गया, यहाँ लैंड हुए, मेरे को प्रसाद मिला सालासर जी का, इनने तय किया चलो अभी तो अपने पास है, जल्दी से आप होके आ सकते हो। आज मंगलवार का दिन सालासर जी ने बुला लिया सालासर के दर्शन, और मैं तो इतने खुश हुई और इतने साथ साथ आप लोग सबके दर्शन, तो ये तो सोने में सुहागा ही समझो, मेरा पूरा काम हो गया। ना बालाजी की वजह से मेरा तो पूरा ही काम हो गया। आप लोग सब, सालासर जी खुद, मंगलवार और इतने सारी संख्या में आप लोग सब यहाँ आए हुए हैं, आपके भी दर्शन हो गए, उनके भी दर्शन हो गए, मेरा काम पूरा। मैंने कहा आप लोग सबसे मिलकर मैं जाऊंगी, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात। आज आपके क्षेत्र के अंदर आना और आप लोगों सबसे मुलाकात करना एक और अच्छे दिन पे, क्योंकि आज महाराणा प्रताप जी की भी जयंती है। 11 तारीख में इतने सारे सहयोग हो रहे हैं। देखो महाराणा प्रताप की जयंती, जिस महाराणा प्रताप को तो आज इतिहास में जो लोग जानते ही हैं, यहां ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर, वीरता का प्रतीक, शौर्य वीरता का प्रतीक, समझो पूरे दुनिया के अंदर अगर सुराज के बारे में बात करते हैं, स्वराज के बारे में बात करते हैं, तो महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है। जन नायक के नाम पे चलता है तो उनका नाम लिया जाता है। और वो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना जीवन अपने ही लिए नहीं, अपने देश के लिए समर्पित कर दिया था, ऐसा महाराणा प्रताप जिसका नाम पूरी दुनिया के अंदर है, आज उनके इस जयंती के अंदर आप लोग सबसे मुलाकात करने का मुझे ये भी मौका मिला है। और यहीं से मैं शुरू करना चाहती हूँ कि निजी स्वार्थ को एक तरफ छोड़ के अपने प्रदेश और देश के ऊपर जो लोग निछावर हो जाते हैं, मैं समझती हूँ कि उनका नाम तो इतिहास के अंदर तो लिखा ही जाता है, परंतु जिस चीज के लिए वो लड़ाई लड़े थे वो आज भी हमारे लिए बहुत ही अहम लगता है। उन्होंने स्वराज की लड़ाई लड़ी थी, हम लोगों ने भी स्वराज की लड़ाई लड़ी है, या हमारे देश के अंदर लोकतंत्र का जमाना हमने लाया है, और जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी उसी तरीके से महाराज गंगा सिंह का नाम मैं याद करती हूँ, महाराज गंगा सिंह का नाम, जिन्होंने दूरदर्शिता दिखाते हुए ऐसे जगह के अंदर पानी ला के रख दिया जहां लोगों ने कह दिया था कि पानी कभी आ ही नहीं सकता। आप ये समझिए, बिल्कुल डेजर्ट के अंदर लाना,
पानी ऐसी जगह पे लाना जो लोगों ने नहीं कहा था कि हो सकता है, ये महाराजा गंगा सिंह जी का विजन। और आज उस क्षेत्र के अंदर 5 मिनट का काम है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ आप लोगों को कि उस समय महाराजा गंगा सिंह ने ये याद किया था और अपनी जनता का सुराज ध्यान में रखते हुए उन्होंने पानी का इंतजाम उस समय किया। आज लोकतंत्र का जमाना हो गया, 65 साल निकल गए। 65 साल में से आप समझिए 5 साल मेरे निकाल लीजिए और 7 साल वैर सिंह जी के निकाल लीजिए, तो 53 साल उस कांग्रेस को अपन ने दिया है, जिस कांग्रेस ने इस प्रदेश के अंदर हम सोचते हैं कि सुराज लाने की बात अगर की थी तो अगर अपनी जनता को मूलभूत सुविधा से दूर कर दिया, जिस प्रदेश के अंदर 53 साल के बाद पीने को पानी नहीं है, जिस प्रदेश के अंदर 53 साल के बाद बिजली नहीं है, जहां सड़क नहीं है, जब पढ़ाई का जरिया नहीं है, जहां डॉक्टर नहीं है, ये 53 साल के बाद सुराज का सपना दिखाने वाले लोग ने हमको इस गड्ढे में लाके दिखाया है। और एक तरफ वो गंगा सिंह जी, एक तरफ महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपनी जिंदगी अपने स्वराज और सुराज के लिए दे दी। आज उनको हम याद कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, पर उनको याद करते करते मैं आप लोग सबको कह रही हूं कि भाइयों अपने पास समय नहीं है। आज मैं आपको बिजली के ऊपर ही ले जाना चाह रही हूं। देखिए यहां आप लोगों से पूछूंगी मैं, ये बताओ मेरे को, आप लोगों को 8 घंटे बिजली आराम से मिल रही है? अभी तो आपको बरसात हो गई है इसीलिए इतनी उमस नहीं है। मैं तो हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोला तो मैंने कहा भगवान आपने आज तो सब कुछ कर दिया, ठंडक भी दे दी है। परंतु मैं अभी नोखा से आ रही थी उसकी, तो नोखा में तो बिल्कुल सिर से पैर तक पसीना ही पसीना हो रहा था, इतनी गर्मी थी। और आज मैं इसलिए पूछ रही हूं आप लोगों को कि इस क्षेत्र के अंदर क्या आपको बिजली और पानी जैसा मिलना चाहिए वैसा मिल रहा है? मुझे याद है कि अपनी योजना की स्कीम को अपन ने चालू किया था, क्या आप लोग समझ जानते हो? अपनी योजना फर्स्ट फेज अपन लोगों ने वहां किया और कई जगह के अंदर उसका पानी अपन ने पहुंचाया। सेकंड फेज का काम हम लोगों ने तैयार करके उसके पैसों का इंतजाम करके वो सब कचरे हमने छोड़ के गए। 4.5 साल निकल गए, जो भी स्कीम्स हमने चालू किए थे वो ये आपकी बातें नहीं है। मैं देख रही हूँ कि जहां जहां मैं ये 4 संभाग खत्म करके आ रही हूँ, हर जगह पे सब स्कीम्स को इस सरकार ने काम बंद करने का ये बहुत बड़ा कदम उठाया। सब दूर पानी, सब दूर बिजली, सब दूर सड़क, सब दूर डॉक्टर, सब दूर टीचर, हाहाकार मचा हुआ। और ऊपर से मेरे को कहने को ये है कि हमने इतना सारा काम, इतना अच्छा काम किया है, जनता से पूछा जाए तो जनता बता देगी कि उन लोगों को किस तरीके से मुफ्त दवाई और मुफ्त डॉक्टर के जांच हो रहे हैं। आपके हो ही रहा होगा, आपके यहाँ तो डॉक्टर ही नहीं है तो क्या मुफ्त जांच कराओगे और कहाँ से लाओगे ये सब? हाँ, किसी ने मेरे को कहा नहीं आपने जानते हैं पानी का भी इंतजाम कर दिया है, बिजली का भी इंतजाम कर दिया है। महिलाओं से मैं पूछना चाहती हूँ, आपको घरेलू बिजली मिल रही है क्या? मैंने 24 घंटे घरेलू बिजली का इंतजाम आपके लिए इसलिए किया था कि जब गर्मी के दिनों के अंदर ये सब लोग थके मांदे दुकान से व्यापार करके खेत से वापस घर में आएंगे तो उनको ठंडक मिलेगा। सिंगल फेज की बिजली है, आप लोग किचन में जाओगी, वहां खाना बनाओगी, उसके अंदर आपको ठंडक मिलेगा। और अगर बच्चियों को पढ़ने का उनको परेशान बने परीक्षा करने के टाइम आ जाता है तो आप लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी, अपने घर के अंदर लट्टू जला के वहीं परीक्षा का इंतजाम आप कर सकते हो। ये इंतजाम हमने आपको करके छोड़ा। पहली दफा राजस्थान के इतिहास में महिलाओं के लिए एक अलग सी लाइन सिंगल फेज की बिजली देने का हमने काम किया। और मैंने खुद चेक किया था और मैं जानती हूं कि उस समय मैं 18 से 20 घंटे तक उसको पहुंचा रही थी और मुझे मालूम था कि अगर मेरे को 6 महीने और मिल जाते तो पूरे राजस्थान के महिलाओं को घरों के अंदर 24 घंटे सिंगल फेज बिजली देने का हम लोगों ने काम किया। अब आप ये देख लीजिए, मैं खाली बिजली का पूछ रही हूं, उन्होंने मैनिफेस्टो के अंदर अपने घोषणा पत्र के अंदर यह लिख दिया था कि हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। याद है आपको? याद है? अब मैं देख रही हूँ घरेलू बिजली तो 3 बार बढ़ा है माताएं बहन, पहले 22%, 17%, अब 14% घरेलू बिजली का। उसके बाद उसके अलावा बिजली के दाम जो है वो 5 बार बढ़े हैं, सितंबर 2009, 10, 11, 13 और फिर मार्च 13 के अंदर आपको बढ़ाए। और कभी कहते हैं जल संरक्षण के ऊपर, कभी कहते हैं शहरी विकास के ऊपर, कभी कहते हैं उपभोक्ता पर फ्यूल सरचार्ज के ऊपर, फिर कहते हैं कहीं शहरी विकास के ऊपर, कोई ना कोई नाम लेके 10 पैसे, 15 पैसे, 50 पैसे, 85 पैसे करके इन लोगों ने
पांच बार तो घरेलू बिजली के अलावा जो बिजली के दाम है उनको बढ़ा दिए। फिर बिजली की किस्म, जहां घरेलू बिजली थी हमारे अगर 3.5 रुपए की थी तो इन्होंने 5.5 रुपए की कर दी। अघरेलू बिजली जो थी जो हमारे 5 रुपए की थी इन्होंने 7 रुपए की कर दी। छोटे उद्योगों के लिए जो थी हमारे 3.5 रुपए के हिसाब से यूनिट था इन्होंने 5 रुपए के हिसाब से कर दिया। ये पांचों जो हैं वो बड़े हुए हैं। और बिजली की उपलब्धता हमारे टाइम में घरेलू बिजली 24 घंटे तक हम लोग पहुंच रहे थे। घरेलू बिजली गांव के अंदर 20 से 22 घंटे तक हो रही थी। कृषि बिजली अब 8 घंटे तक हो रही थी और औद्योगिक बिजली 24 घंटे तक आ गई थी। और अब आप पूछ लीजिए कि बिजली की क्या स्थिति है गांव के अंदर। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 2008 के दिसंबर के महीने में ये बिजली जब थी तो अब कहाँ चली गई है? और जब वो सब आपको मिल रही थी और अच्छे दाम पे मिल रही थी या अब मिल भी नहीं रही है और दाम आपको करंट मारे जा रहे हैं, क्या मतलब है? अगर कोई बिजली आपको देता है और फिर उससे पैसा लेता है तो मैं समझती हूँ कि हम शौक से ले रहे, परंतु देता भी नहीं है और ऊपर से लेता भी है, ये कौन सी जाति हमारे साथ हो? ये तो मैं नहीं समझती कि कोई भी जनता के साथ होना चाहिए। मैं दे नहीं पा रही हूं तो मेरा हक नहीं है आपसे पैसे लेने का। इसके साथ साथ मैंने पता किया कि इन्होंने कहा कि हमने कहीं भी किसानों के बिजली के दाम नहीं बढ़ाए। इनने ये दाम तो नहीं बढ़ाए पर पिछले के दरवाजे से बहुत सारे काम कर लिए हैं, दिखता नहीं है ऊपर से कि हाँ दाम बढ़े। और मैं ये बता रही हूं आपको कि हमारे समय के अंदर 630 रुपए प्रति हॉर्स पावर जो एक्स्ट्रा आप लोग करते थे तो 630 करते थे, आज वो 7000 रुपए के हिसाब से कांग्रेस ले रही है। अगर आपके यहां कहीं एक्स्ट्रा हॉर्स पावर पकड़ा गया तो उसको 7000 रुपए प्रति यूनिट आपको देने की जरूरत है हॉर्स पावर के हिसाब से। मीटर चेकिंग होते थे, जांच कराए जाते थे और कहीं भी किसानों से ज्यादा की गई वसूली के वापस मैंने ये कह दिया कि बीसीआर जो चक्कर ये सब दूर लोगों को परेशान करके रख दिया है। और बीसीआर की वजह से अनाप शनाप बिल आते हैं। अभी हम लोग थे कहाँ थे, सवाईमाधोपुर में, सवाईमाधोपुर उस एरिया के अंदर घूम रहे थे तो जब हम बीहड़ में से निकले तो एक किसान हमारे पास आया, उसके कंधे के ऊपर मीटर टका हुआ था, कंधे पर मीटर था, हाथ में बिल था। तो इससे मेरे को बिल बताता है कि साहब देखिए बिल ये 5000 का बिल है और ये मेरे कंधे पर मेरा मीटर है। कहा क्या मतलब? उसने कहा मेरे घर में कनेक्शन ही नहीं है, मैंने अभी मीटर लगाया ही नहीं है, मेरे हाथ में बिल आ गया, बताओ क्या करना। हम लोगों ने रात को उनको फोन किया और हमने कहा कि लगेगी तुम्हें इतनी मुसीबत होने वाली है, तुम बिजली विभाग के लोग जो हो जिन्होंने परेशान करके रख दिया, हम आपको कह रहे कल सुबह तक अगर हमने नहीं देखा तो आप देख लेना आपको क्या होगा। दूसरे दिन सुबह दौड़ता हुआ आया, उसने कहा साहब मेरा बिल हो गया माफ, मेरा मीटर लग गया और मेरे को कनेक्शन भी मिल गया, आपने क्या कर दिया? मैंने कहा जब लोग गलत काम करते हैं पकड़े जाते हैं तब यही काम होता है और इसीलिए उसका तो हो गया। पर मैं जानती हूं कि राजस्थान के अंदर सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनके साथ इसी तरीके से व्यवस्था हो रही और ये बीसीआर के नाम पे जो लोगों को लूटा जा रहा है, मैंने सबको चेत दिया है कि देख लेना इसकी होगी सरकार अपनी आएगी, इसकी होगी जांच और अगर इन्होंने जो जिसने दोषी पाया गया उसको होगी मुसीबत और जो हमने जांच करने के बाद अगर हमने पाया उसमें कमी बेस पाया किसी भी तरीके से तो जिन लोगों से उन लोगों ने किया उसको पैसा वापस देने का काम हम लोग करेंगे। ये विश्वास आप कैसे करिए क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है और मैं सही से समझती हूँ कि कहीं ना कहीं तो उसको रोकने की जरूरत होगी। यही आप पानी का देख लीजिए, जगह जगह पर मैं देख रही हूँ फ्लोराइड युक्त पानी, इतना गहरा पानी और कहीं भी इन्होंने सोचा नहीं है कि हम पानी को किसी तरीके से ला के आप महिलाओं को पिलाएं। मैं भीलवाड़ा से निकल रही थी माता में तो कुएं पे मेरे को किसी ने रोका, 4 महीने कुएं पे खड़ी थी, मेरे बस को रोक के उन्होंने कहा उतर के हमारे साथ इस कुएं में से पानी निकालने का काम करो। अब मैं तो कभी कुएं से पानी निकाला नहीं है पर ऐसा कौन कह सकता है कि मेरे को नहीं मालूम, मैं नहीं आऊंगी। मैं उतर के उनके साथ गई, उन्होंने कहा पहले तो आप डालिए इसके अंदर बाल्टी, तो वो तो आसान था क्योंकि बाल्टी खाली थी, ज्यादा उन्होंने कह दिया था जोर से मत फेंकना नहीं तो हाथ जल जाएगा, तो मैंने उसको आराम से निकाल दिया, वो मुसीबत नहीं। परंतु भर के वापस लाने का काम जब तक हुआ तब तक मैंने तो आप लोगों को दाद दे दिया कि कैसे उठाती है पानी। एक तो बाल्टी हो गई पर उसने रखा था घड़ा और उसने कहा घड़े को भरने के लिए लगेंगे 3, अब 3 दफा उसको निकालो। मैंने मेरी तो हिम्मत नहीं है, मैं तो 3 बाल्टी नहीं निकाल सकती, एक ही में मेरा हाथ रह गया तो तुम लोगों का क्या हो रहा होगा ये मुझे समझ में नहीं आता। फिर उसने कहा अब भरो ये 3 लोटे, उसने भरे
भर के दो जन ने उसके सिर के ऊपर रखा। अब वो उसने कहा कि आप रखते हो, मैंने कहा मैं नहीं, मैं तो उसको देख के ही मेरे को डर लग गया। उसने कहा इतनी सब मेरे बाल यहाँ पे चले जाएंगे, इतना सारा पानी लेके मेरे को रोज जाना पड़ता है और ये दो दो किलोमीटर के रास्ते पे मेरे को जाना पड़ता है, कैसी सरकार है जो सरकार हमसे वोट लेती है, ये कह के वोट लेती है कि भाई हम तुम्हारा काम करेंगे और इस तरीके से हम लोगों को परेशान करती है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर 53 साल के एक छत्र राज के बाद अगर ये परिस्थिति है तो इस सरकार को और इन लोगों को उस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं, हक ही नहीं है। और मैं कह रही हूँ आप लोगों को ये तय कर लेना चाहिए, और ये तो एक ऐसी जगह है जहां लोग तो बहुत आगे चलने वाले लोग, ये ऐसा आपका जिला है जो जिला बहुत आगे सोचता है, इसलिए मुझे आप लोगों को ज्यादा मशक्कत करने की वैसे भी जगह नहीं है, रास्ता दिखाने वाले लोग हैं। और इसलिए मैं खाली आपको ये याद दिला रही हूं कि सबसे पहले अगर सुराज चाहिए तो हमें सुरक्षा का भी इंतजाम करने की जरूरत है। आज देख रहे हो कैसे हिंसा मची हुई है, किस तरीके से आतंकवाद चल रहा है, किस तरीके से लोग एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, लूटपाट मची हुई है। और सबसे वाहियात चीज है माताएं बहनें, माताओं बहनों की सुरक्षा की क्या स्थिति है, आज राजस्थान प्रदेश में सिर्फ शर्म से झुकता है। आप जयपुर के अंदर देख लीजिए, आज जयपुर का नाम इतिहास में नहीं है, आज जयपुर का नाम है कि ये सबसे ज्यादा चेन अगर कहीं खिंचती है तो वो खिंचती है जयपुर में। महिलाओं के साथ जिस तरीके से अत्याचार वहां हुआ आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, मूक बधिर बच्चे थे, 8 महीने उनके साथ अत्याचार हुआ, कोई आया नहीं उनको मदद करने के लिए। और माता बहने आप लोग सब जानते हो कि आज अपनी बेटी जाती है पिक्चर देखने के लिए तो दिल कैसा चलता है, जब तक वो घर नहीं आती है तो लगता है कि वो कहां चली गई है, कब आएगी, कब वापस आएगी, घर में वापस आ जाती है तो लगता है शांति। ये स्थिति आज राजस्थान के अंदर हो रहा है, ये कैसे, जिस घर के अंदर उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बहू, उसकी बेटी अगर वो सुरक्षित नहीं है तो घर के मुखिया को चुल्लू भर पानी के अंदर डूब के मर जाना चाहिए। ये तो स्थिति है राजस्थान की, ना बिजली, ना पानी, ना सड़क, ना स्वाभिमान, हमारी सबकी इज्जत मिट्टी में मिल गई है, ना सुरक्षा। और जहां गरिमा की बात होती है उसके बारे में कभी हम सोचते हैं तो हम बच्चे पूछते हैं हमको कि साहब हमारी पढ़ाई करवाइए और पढ़ाई करवा के हमको नौकरी दिलवाइए, यही है ना सब बच्चों का काम। मैं सब बच्चों को यह कहना चाहती हूं जब अपनी सरकार थी तो उस सरकार के टाइम में 10 लाख नौकरियां दिलवाई तो हमने कैसे दिलवाई, हमने कैसे दिलवाई, सरकारी भी थी गैर सरकारी भी थी। आज भी 60% नौकरियां खाली पड़ी हुई है, सरकार उनको भर नहीं रहा है, क्यों नहीं भर रहे, क्या बात है। एक परीक्षा है इसका नाम है टेट, वो परीक्षा ऊपर के लोगों ने कहा है कि रखना चाहिए, हम लोगों ने भी उसको चला दिया है, आपको टेट से निकलने की जरूरत है। मैं कहती हूं कि उस टेट को तो अपन बिल्कुल ही अलग करेंगे और फिर से नौकरी दिलाने का लोगों का काम करवाएंगे आप, इसकी चिंता मत करिए। सब बच्चों को मैंने ये कह दिया कि आपको आपकी गरिमा वापस करने का काम होगा, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे हमारे प्रदेश को छोड़ छोड़ के दूसरे प्रदेशों में चले गए, हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के अंदर ही इंडस्ट्री लगे, छोटी फैक्ट्रीज लगे, किसान अपने काम पे जाए और बच्चों को सही तरीके से नौकरी मिले, रोजगार मिले, ताकि उनको हमारे प्रदेश को छोड़ के कहीं जाने की जरूरत ही न हो, अपने माँ बाप को संभाले रखे। आखिर माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया और रोजगार दिलाने का काम ही इसी वजह से किया है कि हमारे मौका मिलेगा तो हमारी बुढ़ापे के अंदर हम उसको संभालेंगे। आज अगर बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है तो बिल्कुल ही उल्टा काम पड़ रहा है। इसीलिए मैं सब बच्चों को कह रही हूं कि इस प्रदेश के अंदर हम लोगों को बढ़ाना है, परंतु भाइयों ये एक आदमी अकेला नहीं कर सकता। आप लोगों ने देख लिया मध्य प्रदेश के अंदर 10 साल लोगों ने उनके मुख्यमंत्री को दिया तो मध्य प्रदेश की शक्ल ही बदल गई। उधर देखा आपने 15 साल दिए उनको नरेंद्र मोदी जी को, और नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रदेश को कितना बदल के रख दिया है वो सब लोग जानते हैं। और वहां अगर मध्य प्रदेश में हो गया और अगर गुजरात में हो गया तो 53 साल निकल गए ना, 15 नहीं 10 नहीं 53 साल। और क्या हम अपने राजस्थान को नहीं बदल सके, और नहीं बदल सके तो बार बार हम उनको क्यों ला रहे हैं जो हम जानते हैं कि हमारा काम नहीं कर सकते। ये तो आबेल मुझे मार वाली बात हो गई। हमको तो ये तय करना है कि अब पूरा जो यहां बैठे हुए परिवार के लोग हैं वो ये तय कर लें, संकल्प ले लें कि हम लोगों को आगे बढ़ना है तो पूरे परिवार साथ मिलकर चलेगा, तब ही हम अपने राजस्थान को विकसित कर सकेंगे। एक आदमी के हाथ में ताकत नहीं है भाइयों, माताएं बहने
ये 36 के 36 का कौम का काम है, ये सब मजहब मिलके करेंगे तब उनका काम है, ये हम लोग सब मिलके काम करेंगे तब मैं समझती हूं कि राजस्थान को आगे बढ़ा सकते हैं। अरे कांग्रेस वालों ने आज तक हम लोगों के बीच में जातियों को लड़ा के, मजहब को लड़ा के, दीवारें खड़ी कर करके, झगड़ा करवा करवा के राजस्थान को पिछड़ा छोड़ा है, क्योंकि राजस्थान के पिछड़ेपन में उनका वोट है। जब हम लड़ते हैं तो उनका वोट है, जब हम लड़ते हैं तो वो राज कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को कहना चाहती हूं कि अब हम राज करेंगे, ये आपका राज होगा, जब आपका राज होगा तब आपकी बात होगी और तब आपकी सेवा में सब लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे। वो स्थिति हम लोगों को लाने के लिए एक एक करके काम करना है। एक तो सरकारी बहुत सारे काम मैं देखे हुए हैं, शुद्ध का युद्ध का क्या हो रहा है आजकल, चल रहा है क्या दीदी? फेल, शुद्धि लाया कोई? शुद्धि हुई? मैं तो देख रही हूं कि जो लोग शुद्ध को माने शुद्ध के लिए युद्ध कर रहे हैं, उन लोगों ने जितना खाया पिया और भ्रष्टाचार किया है वो मैं समझती हूं किसी ने नहीं किया है। मंत्रियों को हटाना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री को, अब पूरे के पूरे वैसे ही है, मंत्री को तो मुख्यमंत्री ने हटा दिया, पर मुख्यमंत्री को कौन हटाएगा? ये है, मैं तो कह रही हूं पूरी जनता बैठी हुई है, इनको लगता कि जनता की आंखें नहीं है, जनता की पूरी आंखें हैं और जनता ही इसको ठीक करेगी, ये मैं आज विश्वास करके लेना चाहती हूं। किसानों को मैं सिर्फ इतना कहती हूं, भाइयों आप ही हो राजस्थान के अन्नदाता। आज आपको किस तरीके से और किस मुसीबत से निकलना पड़ रहा है कि पहली दफा राजस्थान का किसान आत्महत्या के कगार पे आके खड़ा हो गया। ये हम सुनते थे आंध्र प्रदेश में होता है, ये हम सुनते थे महाराष्ट्र में होता है, राजस्थान में कभी नहीं हुआ, पर आज आपने इतनी स्थिति कर दी है कि ना बिजली है, ना पानी है, ना खाद है, ना बीज है, और मिलता है तो नकली है। ऐसी स्थिति कर दी है कि किसान के तो लाले पड़ गए हैं, किसान की तो कमर टूट गई है, और किसान भी ये कह रहा है कि भाई हमारी स्थिति इतनी कमजोर हो गई है तो हम जाएं तो जाएं कहां। किसान भाइयों मैं आपको पूछना चाहती हूं कि दो बार ओले पड़ गए, पाला पड़ गया, सब कुछ हो गया, अखबार में मेरे को पढ़ने को मिला कि बहुत जोरदार मुआवजा आप लोगों को मिला, मिला क्या किसी को मिला? मुझे बताया गया कि बिजली के दाम को कम कर दिए गए, मुझे ये बताया गया कि आपको अच्छे पैसे मिले, पर जब मैंने देखा और इंक्वायरी की तो मैं समझती कि 2000 रुपए से ज्यादा किसी को अगर मिला हो तो गनीमत है। और भी मेरे को ये बताया गया कि सहकार विभाग की ओर से 1,50,000 का ऋण सर्जा बिना ब्याज को किसानों को मिल रहा है, मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, कहीं नहीं। हमें तो मैंने इतने ज्यादा बड़े अक्षरों में लिखा गया, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही हूं। तो किसान का तो कोई काम ही नहीं हुआ है, किसान के नाम के ऊपर लूट मची हुई है। और मैं ये कहना चाहती हूं कि चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष, चाहे युवा, ये अब हम सबका मिलके काम है। बताओ भैया हिम्मत है? डराएंगे धमकाएंगे? आपने देख लिया उनकी जो हालतें हैं, गुलाब जी कटारिया के साथ क्या क्या हो रहा है अभी आपको अच्छी तरह से मालूम है। हम लोगों के साथ जिस तरीके से आयोग खड़े कर दिए थे वो भी आपने देखा था, 4 साल उन्हें पूरे आयोग, उनके फाइल सब कुछ खंगाल लिए। मैं तो कह रही हूं अभी 6 महीने भी बाकी हैं, अभी और भी करें और पूरी कोशिश कर लेंगे, क्योंकि केस की आजकल कोई जरूरत ही नहीं होती है। गुलाब जी की किस स्थिति के अंदर किया गया है वो आप लोग अच्छी तरह से देख रहे हो। और मैं सब लोगों को ये कह रही हूं कि CBI को इस्तेमाल कर ले, किसी चीज को इस्तेमाल कर ले, भारतीय जनता पार्टी किसी से डरने वाली नहीं है, ना हम लोग किसी से डरने वाले हैं। हम सब मैदान में उतरेंगे, बार बार उतरेंगे, हमने वादा किया है जनता को और जनता के वादा को पूरा करने का काम हम लोग मिलके करेंगे। और तुम तैयार हो तो बताओ, है तैयार? डराएंगे धमकाएंगे तो भी मैंने कह दिया है, आ जाओ तुम मैदान में आ जाओ, फिर हम देखेंगे क्या होता है। और मैं जब कह रही हूं कि हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, तो मैं विश्वास ये भी साथ में दिला रही हूं कि मीठा पानी माता है बहन। आपको याद है सुजानगढ़ आ रहे थे पिछले बार जब लास्ट मीटिंग अपनी हुई थी, और रस्ते में अपने को लोगों ने लोग के कहा था कि हमको कुएं की जरूरत है, पर उन्होंने कहा कुएं की जरूरत आप कह रहे हो, हमको 4 या 5 कुएं की जरूरत है, मालूम नहीं कब तक कुआं बनेगा। आपको याद होगा कि कुआं हम लोगों ने वहीं मंजूर किया और विदिन 1 महीने के अंदर वो कुएं चालू है, मालूम नहीं उनकी क्या हालत है, परंतु मुझे याद है कि वो कुओं को चालू करके हम लोगों ने रस्ते भर दिया। ये कोई कहे कि मुख्यमंत्री के पास पैसा नहीं है, ये कोई कहे कि हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, ये तो इच्छा शक्ति की कमी है। आप लोगों को मैं ये क्लियर बता दूं
कि अगर ऐसा काम कहीं भी दिखाई होता है और जनता का कोई भी काम होता है तो जनता का पैसा है, हम किस लिए लेके बैठे हुए हैं? जनता का खजाना है, अगर जनता के ऊपर हम नहीं देंगे तो लेके कहां जाएंगे? और इसीलिए जब जनता ही इसको देखने के लिए उतर आएगी तो मैं समझती हूं कि इससे बढ़िया बात और कोई नहीं हो सकती। अब वो मौका आ गया है, हम लड़ेंगे आपके साथ, परंतु आपको साथ देना पड़ेगा। और मैंने बार बार कही है आपको कि आप लोगों ने जो ये चुनरियां उड़ाई है, जो आप लोगों ने सहलाया है, जो आपने सिर के ऊपर हाथ रखा है, इससे बड़ी बात हमारे लिए कोई नहीं है। आप अपना प्यार देते रहो, आप अपना सहयोग और विश्वास देते रहो, हम लोग दौड़ते रहेंगे। यही सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए माताएं बहने, बस ये प्यार में कमी मत छोड़ना, ये विश्वास में कमी मत छोड़ना और समय देना, क्योंकि कोई समय के बिना कोई काम हो भी नहीं सकता है। आज आप लोगों को मैं ये कहने आई हूं कि समय आ गया है, 4 महीने आपके बच रहे हैं, 4 महीने के अंदर आप जो मांगो आपके लिए खड़ा हो जाएगा। अरे खड़ा हो जाएगा तो नहीं, परंतु मैं सुन रही हूं कि परिवार का मुखिया संतूर घूम रहा है, कह के वो क्या है, क्या चाहिए तुमको बताओ, तो तुम बता दो मैं उसको खड़ा कर दूंगा। अरे जो 4.5 साल में नहीं खड़ा कर सके वो 4 साल में क्या खड़ा करेंगे? और क्या वायदे कर रहे हैं, और क्या ये वायदे पूरे हो जाएंगे, और क्या ये 6 महीने के बाद वायदे और भी पूरे होंगे कि नहीं पूरे होंगे, वो किसी को नहीं मालूम है। इसीलिए आज मेरे को ये कहना है कि हमको इसको बदलना है, इस व्यवस्था को अच्छी तरह से बिठानी है, एक नया राजस्थान बनाना है, एक ऐसा राजस्थान बनाना है जहां हमारे बच्चे अपने पैर पे खड़े होकर अपना रोजगार कर सकें, एक ऐसा राजस्थान जिसके अंदर हमारा किसान लहलहाते खेत के अंदर खड़ा हो सके और उसको उसके सही समय पे बिजली, उसको पानी, उसको खाद, उसको बीज, और जब वो बाजार में जाता है तो सही मूल्य, ये सब उसको सही समय पे मिले। हमारी महिला सुरक्षित हो, सड़क पे चले तो अपना सिर उठा के चले, और सबसे बड़ी बात हमारे राजस्थान की इज्जत और हमारे राजस्थान का स्वाभिमान हमको वापस मिले, ताकि हम दुनिया के अंदर अपना सिर उठा के चल सकें। बस इतनी बात है। क्या यहाँ सब लोग जो बैठे हुए हैं साथ चलने को तैयार हैं? फिर मुझे मत कहना कि फलाना जात और वो जात, और फिर ये मत कहना कि फलाना मजहब और फलाना मजहब, ये विकास का काम है, चाहे वो कोई भी जात का हो, चाहे बूढ़ महिला हो, चाहे पुरुष, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, सबको रोटी खानी है, सबको पानी पीना है, सबको सड़क पे चलना है और सबको बिजली के नीचे बैठना है। अगर ये है तो ये पूरा परिवार चले और पूरा परिवार तय कर ले कि एक नया राजस्थान हम बना के छोड़ेंगे, एक ऐसा राजस्थान जो देश के अंदर एक अपने अपना ही वो बना के रखे। तैयार हूं, तैयार तो आपको पकड़ के मेरे साथ आप एक जोरदार नारा, जय जय राजस्थान। राजस्थान का नाम लेना है तो राजस्थान का नाम दिल्ली तक गूंज जाना चाहिए। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी, आप तो महिला है तो अपना हाथ ऊपर कर देती है, अपने मुंह भी बोलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारा प्यार। मुझे गर्व है मेरे ऐसे परिवार पे, कभी कभी मैं सोचती हूँ, वाकई में गर्व है कि ऐसे परिवार के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। और आगे चल के मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मौका मिलता है तो अपन राजस्थान को, एक नए राजस्थान को बना के छोड़ेंगे। सबको बहुत 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 धन्यवाद।